हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप सब अच्छे हैं. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग. आई थिंक सब लोगों ने ऑब्जेक्टिव एडवांटेजेस की वीडियो देख ली होगी और नोट्स भी बना लिए होंगे. सो लेट्स कम टू द पॉइंट. सोचिए जरा, क्या क्या लिमिटेशंस, क्या क्या अकाउंटिंग की बुराइयाँ हो सकती हैं, क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं अकाउंटिंग में. देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो हमारा अकाउंटिंग है ना, हिस्टोरिकल है नेचर में, मतलब पुरानी चीज़ों पे डिपेंड है. जो चीज़ हो चुकी है, जो ट्रांजैक्शन बीत गई है, ओनली दैट इज़ रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग. वी कैन नॉट रिकॉर्ड द फ्यूचर ट्रांजैक्शन विच आर अपकमिंग टू बी हेल्ड. जो भी ट्रांजैक्शन आने वाली होने वाली हैं, हम उनको रिकॉर्ड नहीं करेंगे. ठीक है, हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं, जो बीत चुका है. ठीक है, राम ने 10 रुपये के राम परचेस्ड अ कोल्ड ड्रिंक बॉटल. तो इस 10 रुपये की कोल्ड ड्रिंक की बॉटल को हम रिकॉर्ड करेंगे अकाउंटिंग में, बट वी कैन नॉट रिकॉर्ड राम विल परचेस द बॉटल ऑफ कोल्ड ड्रिंक. अब हो सकता है वो ना खरीदे. जब वो खरीदेगा ही नहीं तो कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगी. तो नोट कर लीजिए हेडिंग आप लोग, एक लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग. एंड फर्स्ट वन नोट कर लीजिए, इट इज़ हिस्टोरिकल इन नेचर. इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द करंट वर्थ ऑफ द बिजनेस. ठीक है, सेकेंड थिंग कि जो अकाउंटिंग है ना, राम मंदिर गया, राम वेंट टू टेम्पल, पास्ट की ट्रांजेक्शन है, पर यहाँ कोई पैसे से लेन देन आया नहीं हुआ ना. तो ओनली एंड ओनली मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स विच आर रिलेटेड टू मनी दैट आर रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग. बात समझ में आ रही है? ओनली मनी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को ही अकाउंटिंग में रिकॉर्ड कर सकते हैं. ये सबसे बुरी बात है अकाउंटिंग की. ठीक है, सोशल एक्टिविटी कोई भी है, आप मम्मी पापा के पैर दबा रहे हो, गेम खेल रहे हो, ये सारी ट्रांजेक्शन उस पर रिकॉर्ड नहीं होंगी. ठीक है, तो सेकेंड लिमिटेशन इज इट कंटेन्स ओनली दोज इन्फॉर्मेशंस विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी. ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ए थर्ड नोट कर लीजिए कि अकाउंटिंग जो है ना, वो विंडो ड्रेसिंग से अफेक्ट होता है. इट मे बी अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग. विंडो ड्रेसिंग मीन्स आज कुछ और तरीका कैलकुलेट करने का है, कल को कुछ और भी हो सकता है. जैसे पहले हमारे पास वैट आता था, ठीक है, अब GST आ गया है. तो थर्ड लिमिटेशन इज इट मे बी अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग. देयरफॉर मैनिपुलेशन इन अकाउंट्स टू प्रेजेंट अ मोर फेवरेबल पोजीशन ऑफ बिजनेस फ्रॉम देन इट्स एक्चुअल पोजीशन. ठीक है, जो उसकी एक्चुअल में पोजीशन है, ठीक है, उससे क्या होगा, अलग ही सिचुएशन उसकी प्रेजेंट दिखाई जाएगी. ठीक है, जैसे कोई भी चीज़ है, आपने टैक्स का रेट जो है FDR करा रखी है 10%, कोरोना वायरस आ गया, मार्केट रेट गिर गए. ठीक है, तो अगर अब आप कराने जाओगे, अब आपका जो अब रेट कम हो गए इंटरेस्ट रेट के, तो अब जो अकाउंटिंग होगी उसमें कम इंटरेस्ट रेट पे आपको FDR पे इंटरेस्ट चार्ज करना है. ओके, नेक्स्ट वन इट इज़ नॉट फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस एंड पर्सनल जजमेंट ऑफ द पीपल डीलिंग विद इट. मीन्स कोई भी इंसान है, किसी भी चीज़ की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा है, तो वो अपने जजमेंट से भी कैलकुलेट कर सकता है. ठीक है, तो इट इज़ वेरी प्रॉब्लमेटिक. इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन ऑफ द अकाउंटिंग इज दैट इट इज़ नॉट फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसनेस. ओके, पर्सनल बायस्ड होती है. जैसे डेप्रिसिएशन लगाना है, मुझे अगर डायरेक्ट मेथड ईजी लगता है तो मैं डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट करूँगा. ठीक है, मुझे अगर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड लगता है कि अच्छा से आता है तो मैं विंडो उससे कैलकुलेट कर लूँगा. बट दोनों जिसको समझ में आते होंगे वो तो समझ जाएगा, बट दूसरा जिसको एक नहीं आता है तो वो उससे कैलकुलेट नहीं कर सकता है. ठीक है, नोट डाउन द लास्ट पॉइंट, इट इज़ नॉट फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस एंड पर्सनल जजमेंट ऑफ द पीपल डीलिंग. फॉर एग्जाम्पल, पीपल हैव डिफरेंट ओपिनियन रिगार्डिंग लाइफ ऑफ असेट्स फॉर कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन. जो चीज़ मैंने अभी बताई कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए लोगों के पास अलग अलग तरीके हैं. ठीक है, कार चलानी है, कोई किसी को स्पीड में चलाना पसंद है तो किसी को धीरे चलाना पसंद है. तो सेम वे अकाउंटिंग में भी एक ही जैसे मैथ्स में है. ठीक है, मैथ्स में होता था कि एक क्वेश्चन को हम अलग अलग मेथड से कर सकते हैं. ठीक है, तो सेम वे वी कैन प्रिपेयर अकाउंट्स इन डिफरेंट वेज. ठीक है, मतलब अकाउंट्स का फॉर्मेट वही रहेगा. ठीक है, बट जो कैलकुलेशन निकालने का तरीका है वो अलग अलग हो सकता है. जैसे डेप्रिसिएशन में हो गया आपका, गुडविल में हो गया आप, आपको आगे जा करके पढ़ोगे. ठीक है, तो सो नोट डाउन दिस ऑल द पॉइंट्स.
एंड अब मैंने जो भी लिमिटेशन उनके कॉपी वीडियो के बिगनिंग में भी अटैच कर रखी है और लास्ट में भी अटैच कर दूंगा। अगर जो मैंने डिक्टेट करा है वो किसी को प्रॉब्लम हो तो यू कैन नोट डाउन फ्रॉम दैट। ओके, पॉज द वीडियो एंड यू कैन नोट फ्रॉम दैट। ओके, अगर समझ में आ गए ये सारे पॉइंट्स तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द मोर अपडेट्स। बाय बाय, टेक केयर।